इस कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, मतलब खास इसलिए है ना कि आप लोगों का डाउट खत्म ही नहीं होता है। मतलब इतना अच्छा वीडियो बनाया है, समझाया बहुत प्यार से कि समझ जाओगे। इस वीडियो में मैंने तीनों के लिए बताया था, बीए के स्टूडेंट थे तो भी इस वीडियो को देखना, बीएससी वाले हैं तो भी इस वीडियो को देखना, बीकॉम है तो भी इसको देखना। तो इस वीडियो में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा अगर आप अच्छे से देखते हैं तो। फिर भी आपका कमेंट भर भर के आ गया तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से, आप बस समझने की कोशिश करना। तो देखो अभी क्या चल रहा है मार्केट में, अभी क्या चल रहा है ये बताओ। पीपीयू का कुछ प्रोसेस चल रहा है 23 से 27 सेशन वाले, तो आप लोग में से कुछ लोग बोलेंगे हाँ हाँ भैया चल रहा है। क्या चल रहा है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है अभी, तो बहुत सारे लोग करवा लिए होंगे। अच्छा आप लोग बताओ लास्ट डेट कब है रजिस्ट्रेशन का, तो बोलेंगे 8 तारीख यानी परसों तक है। तो मेरे ख्याल से 90% स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, 10% स्टूडेंट आज करवाएंगे, ठीक है बचे कुछ एक परसों करवा लेंगे। तो प्रोसेस क्या है ये समझाइए ना। तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, ये ऑनलाइन पीपीओ की वेबसाइट पे जा करके 600 रुपया पेमेंट कर दिया, फिर उसके बाद का जो प्रोसेस है आप सबको पता होगा। मैंने तो 2-3 वीडियो में समझा दिया आपको कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करने के बाद दूसरा जो चीज़ है आपको ऑफलाइन कॉलेज जाना होगा। कहाँ जाना होगा, कॉलेज जहाँ पे नाम लिखवाए हो वहाँ जाओगे ना, कि दूसरे के कॉलेज में घुस जाओगे, तो कॉलेज जाना होगा। क्यों जाना होगा भैया, भाई पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है आगे, यहाँ पर ये सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, ठीक है ग्रेजुएशन करना के मन है कि नहीं, तो आपको कॉलेज जाना ही चाहिए। ये सारे सब्जेक्ट टोटल आपके 4-5 सब्जेक्ट चूज़ होने वाले हैं कॉलेज में, कॉलेज जाओगे तभी गुत्थी समझ में आएगी कि कौन कौन सा सब्जेक्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर बताइए ना कौन सा, जैसे कि हिस्ट्री मेरा मैंने लिया हिस्ट्री ऑनर्स, ये मेरा मेजर सब्जेक्ट है, तो माइनर सब्जेक्ट में क्या क्या चूज़ करेंगे। भाई कॉलेज जाओगे, टीचर हैं किस लिए, आपको समझाएंगे बाबू हिस्ट्री लिए हो तो ये ले लो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपका खुद का दिमाग नहीं है क्या, आपको नहीं समझ में आता है कि कौन सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है कौन सब्जेक्ट मेरे लिए खराब है। तो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि कोई बच्चा का ज्योग्राफी फेवरेट होगा तो वो माइनर में ज्योग्राफी लेगा, किसी का कुछ और फेवरेट होगा तो वो कुछ और लेगा, चीज़ें समझ रहे हो, तो खुद से भी देख सकते हो। तो देखो ये बात मैंने बता दी कि आपने ऑनलाइन किया, रजिस्ट्रेशन करवाया, उसके बाद आपको कॉलेज जाना ही जाना है, कॉलेज जाना है। अच्छा कॉलेज क्या क्या लेके जाना है ये भी बहुत बड़ा डाउट है। तो देखो एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, बस तीन। अब ये तीनों क्या है, तो ये तीनों जो है इनका नाम मैं बता देता हूँ। ये तीनों का नाम है, एक है आपका रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो आपको इस प्रकार का 600 वाला तो आपको इस प्रकार का मिला होगा, इसका PDF निकलवा के कॉलेज ले जाना है। तो पहला डॉक्यूमेंट यही है। दूसरा डॉक्यूमेंट है आपका माइग्रेशन की फोटोकॉपी, माइग्रेशन यही होता है। अच्छा बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था माइग्रेशन नंबर क्या होता है, यार इस कॉर्नर में देखो ना, इस कॉर्नर में माइग्रेशन नंबर दिया हुआ है और माइग्रेशन डेट क्या होता है, यहाँ पे डेट है, तो जिनको डाउट था वो खत्म हो गया होगा मेरे ख्याल से। तो माइग्रेशन ये बिहार बोर्ड का है, CBSE वालों का भी सेम ही रहता है ऊपर में कॉर्नर में, ठीक है CBSE वालों का भी कॉर्नर में दिया रहता है माइग्रेशन नंबर इस प्रकार से। तो ये सारी चीज़ आपको कॉलेज ले जाने, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ले जाओगे ना, तभी तो सब्जेक्ट चूज़ कर, अगर ये सब नहीं ले जाते हो खाली हाथ कॉलेज चले जाते हो तो कॉलेज वाले भगा देंगे, बोलेंगे सब्जेक्ट तुम्हारा चूज़ नहीं होगा जाओ घर, पहले ये सब लेके आओ। तो ये सब लेके जाना कॉलेज, नहीं तो कॉलेज वाले तो फिर तो आपको आगे का प्रोसेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब देखो कॉलेज बाई कॉलेज डिपेंड करेगा बाबू, जैसे कि ये देखो ये राजगीर का एक कॉलेज है जिसका नाम है डिग्री कॉलेज, ठीक है तो इसका अलग डिमांड है। इन्होंने क्या क्या मांगा है, इन्होंने तीन चीज़ बस मांगी है, क्या क्या, रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप, माइग्रेशन की फोटोकॉपी, ऑनलाइन का एडमिशन स्लिप। लेकिन आपको क्या करना है ना, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, आपको सारा चीज़ का ओरिजिनल भी रख लेना है, ठीक है। जैसे कि रजिस्ट्रेशन पेमेंट स्लिप तो आपको 2 फोटोकॉपी रखना ही चाहिए अगर जा रहे हो कॉलेज, तो माइग्रेशन आपको फोटोकॉपी भी आपके पास होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल भी होना चाहिए बैग में, ठीक है बैग में झोला में जिसमें भी ले जा रहे हो। उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन तो लिया होगा ना, जैसे कि देखो ये है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, तो आपने एडमिशन लिया होगा, जैसे कि मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो क्या करते हो, खाली तो बैठते हो नहीं, मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद आपने एडमिशन लिया होगा। ये तो डिग्री कॉलेज का है, इस कॉलेज को मतलब एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है, यहाँ पे आपके कॉलेज BD कॉलेज का भी नाम हो सकता है, तो BD कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया होगा तो उसका तो खुद फॉर्म मिला होगा ना, एडमिशन लेने के बाद कुछ प्रिंट मिलता है ना भाई, तो रिसिप्ट, एडमिशन का रिसिप्ट, जितने भी 2000 का एडमिशन लिया 3000 का, एडमिशन का रिसिप्ट जरूरी है और एडमिशन का फॉर्म भी रख लेना, ठीक है एडमिशन का फॉर्म भी रख लेना, कॉलेज वाले मांग सकते हैं, ठीक है तो ये सारी चीज़ रख लेना। रिसिप्ट के अलावा आपको एडमिशन फॉर्म भी रहना चाहिए आपके हाथ में, ठीक है। तो इस प्रकार से, जैसे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का बस पर्पस ये है समझो, ये डिग्री कॉलेज का अलग डिमांड होता है, जैसे कि AN कॉलेज देखो तो AN कॉलेज में अलग डिमांड है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आप माइग्रेशन की फ़ोटो को भी मांगें, ये राजगीर वाले कॉलेज का डिमांड है। पटना वाले कॉलेज में क्या मांगा जा रहा है, ओरिजिनल लाओ, एक तरफ फोटोकॉपी मांगता है एक तरफ ओरिजिनल मांगता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी लड़के हैं, मैं सबके लिए वीडियो बनाता हूँ ना, मैं AN कॉलेज के स्टूडेंट के लिए थोड़ी बना रहा हूँ, मैं सबके लिए बना रहा हूँ वीडियो, तो इसलिए मैं दोनों चीज़ बोल देता हूँ एक ही साथ। तो आप लोग यहाँ पे सब रख लेना, फिर रिसिप्ट ये सारा, और AN कॉलेज में एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है फाइल परफॉर्मा,
फाइल परफॉर्मा इसको बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा आपको भरवाया जाएगा, कॉलेज जाओगे ना तो ये वाला मिलेगा आपको काउंटर पे आपके डिपार्टमेंट में, आपका नाम, मम्मी का नाम, मोबाइल नंबर, आपका यूआरएन नंबर, यूआरएन नंबर जो आपने करवाया होगा, देखो ये होता है यूआरएन नंबर, कहाँ गया, ये रहा। इसको यूएन नंबर भी बोलते हैं, इनरोलमेंट नंबर भी बोलते हैं, यूआरएन नंबर भी बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं, इसके एक के कई नाम होते हैं, ठीक है। तो यूआरएन नंबर आप भरना है एन कॉलेज वाले के लिए यहाँ पे। बाकी आपके कॉलेज क्लास रोल नंबर अभी तक मिल गया तो भर दो, नहीं मिला है तो खाली भी छोड़ सकते हो। कॉलेज का स्टूडेंट आईडी, अगर आपने एडमिशन ले लिया होगा तो आपको एक स्टूडेंट आईडी मिला होगा तो आप यहाँ पे जरूर भरिएगा, ठीक है। रोल नंबर भी आपको शायद मिल ही गया होगा, मिल गया होगा तो भरना जरूर, नहीं मिला है तो खाली छोड़ देना। जैसे कि स्पोर्ट एडमिशन वाले का अभी रोल नंबर नहीं मिला होगा, ठीक है, तो वो लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, लेकिन जिनको मिला है वो भरिएगा। उसके बाद नीचे में सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट आपका जो आपने ऑनर्स लिया होगा एडमिशन करने टाइम, तो वो तो सबका फिक्स हो गया है। अब आपको चूज़ करना है ये सभी सब्जेक्ट, टोटल पाँच है। ये कॉलेज में जाओगे तो यहाँ पर लिख लेना जो भी आपका फेवरेट है, किसी का ज्योग्राफी पढ़ने में अच्छा लगता है। अब देखो आपका खुद का तो दिमाग होगा ना भाई, खुद का दिमाग नहीं है तो आप टीचर का सहायता ले सकते हो, कॉलेज में पूछ लेना सर क्या भरूं, इसमें माइनर कोर्स मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लेना है, तो टीचर आपको हेल्प करेंगे कॉलेज में बैठे हुए हैं। फिर नहीं तो आपका जो भी इंटरेस्ट है आप इंटरेस्ट के आधार पर यहाँ पर जरूर चूज़ करना। देखो ये एन कॉलेज का है, जैसे कि कोई लड़का बी ए इकोनॉमिक्स वाला है तो समझना बी ए वाला है और इकोनॉमिक्स मेजर में लिया है, तो एन कॉलेज ने नोटिस निकाला था कि जितने भी बी ए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं आप क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो आपका तो ये फिक्स हो गया, मेजर वाला सबका फिक्स हो जाता है। अब हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने भी ऐसा नोटिस निकाला था, सब डिपार्टमेंट ने ऐसा नोटिस निकाला है, तो लेकिन मैं बी ए इकोनॉमिक्स का एग्जाम्पल लेकर समझा रहा हूँ। अगर मान लीजिए आपका मेजर सब्जेक्ट है, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, आप जूलॉजी लिखना है मन इसको, यहाँ पर जो भी लिखना है लिख लो, इस प्रकार का नोटिस आपकी कॉलेज निकालेगी और आपको ऑप्शन बताएगी कि आप क्या क्या ले सकते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स का लड़का मेजर तो उसका फिक्स है, माइनर में वो क्या क्या ले सकता है, तो आपको जो मन कर रहा है, आपको सबसे आसान कौन लग रहा है इसमें देखो। जैसे कि मुझे सबसे बढ़िया सब्जेक्ट जानते कौन लगता है, ये नहीं ज्योग्राफी लगता है, तो ऑब्वियसली बात है मैं अपने माइनर में ये रखूँगा, मैं माइनर में अपने ये रखूंगा ना भाई, क्यों दूसरा सब्जेक्ट लूंगा। तो ये ऐसा चूज़ कर सकते हो, ये ऑप्शन है। हिस्ट्री वालों का सेम ऐसा ही रहने वाला है, सबका बीए वाले का सेम ऐसा ही ऑप्शन मिलेगा, बीए वालों का सब, ठीक है। एमडीसी में देखो जो भी लेना है, जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल इंग्लिश ले लेना, जिसको हिंदी आता है हिंदी ले लेना, कोई एक लेना है तो ले लेना। एमआईएल में देखो इंग्लिश पढ़ना ही पड़ता है, ये लैंग्वेज सब्जेक्ट ये वाला है, सॉरी यहाँ पे ये आपके फिलोसफी वाले सब्जेक्ट हैं, सॉरी ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हैं, ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। ह्यूमैनिटीज़ आपको मैंने वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो देखना। लैंग्वेज वाला ये है जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन लेना ही होता है, ये फिक्स कर दिया गया है, इसमें ऑप्शन नहीं है। देखो ना इसमें ऑप्शन कहाँ है, एक ही है ना, तो ऑप्शन नहीं है। उसके बाद आपका जो स्किल इन्हांसमेंट है, इसमें से दो हैं, कोई एक लेना, आप देख लो कौन लेना है, कौन लेना है जो आप देख लेना। उसके बाद वीएससी में आपके दो हैं, कौन लेना है आप चूज़ कर लेना। तो इस प्रकार से सिलेक्शन होगा, कॉलेज जाओ, कॉलेज जाओगे तब दिमाग खुलेगा, ये जो गुत्थी है समझ में आएगी कि क्या चूज़ करना है क्या नहीं। घर बैठे बैठे तो दिमाग खराब होगा, कमेंट बस करते रहोगे आप लोग, भैया ये समझ नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ नहीं आ रहा, कॉलेज जॉब भाई सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एक ही बार में, एक ही मिनट में। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।